हमारा प्लान बन गया था मनाली के लिए और हम लोग निकल पड़े। जा पहुंचे हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट में। जैसे ही हम एयरपोर्ट में जाके पहुंचे, देखिए कितना ज़्यादा फॉग है और ठंड तो क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा था। और फॉग देखिए कितना ज़्यादा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग कैब में बैठे हैं और आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और रात भर बस में बैठने के बाद सुबह सुबह ऐसा कुछ नज़ारा था मनाली का, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मनाली में पहुंचने के बाद हम लोग बाइक लेके निकल पड़े अटल टनल एंड सोलंग वैली की तरफ। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, कुछ पैच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी जो रिसेंट फ्लड आया था मनाली में, उसका ही इफ़ेक्ट ये है। रोड का काम धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो, लेकिन व्यू देखिए ऊपर में कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर में स्नो भरा पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग ऐसे धीरे 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 जा रहे थे, ट्रैफिक तो उतना नहीं था। और ये देखिए हम जाके पहुंच गए सोलंग वैली में। सोलंग वैली में तो कुछ स्नो वगैरह दिखाई नहीं दिया तो हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकल पड़े सिसु रोड। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर में माउंटेन में पूरा स्नो दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कैसे फ्रोजन हो गया है वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल है ना, फ्रोजन हो गया है पूरा। और हम जा पहुँचे हैं अटल टनल में। और अटल टनल का बाहर का व्यू देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम लोग एंट्री कर लिए टनल में। टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था। और जैसे ही टनल से निकले, ऐसा कुछ था बाहर का व्यू, एकदम लगा कि जैसे जन्नत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ माउंटेन में स्नो था, मतलब कि क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और नीचे जो रिवर जा रही है ना, उसका पानी एकदम मतलब कि क्लीन दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। थोड़ा देर हम लोग वहाँ पे रुके, देन निकल पड़े लाहौल वैली के लिए और जा पहुँचे सिसु। और देखिए ये है सिसु वैली, हर तरफ बर्फ दिखाई दे रहा था। और ये देखिए सिसु लेक जो कि पूरा फ्रोजन हो गया था। थोड़ा टाइम सिसु वैली में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े मनाली।